आज मैं रठाना पंचायत के खासकर नायब सरपंच साहब हैं हमारे हरभजन सिंह जी, रतन लाल जी हमारे पंच हैं, एक नौजवान साथी हमारा राही ये भी पंच है, और हमारे ये बुज़ुर्ग हैं बड़े देर से, इनका मेरा वास्ता है कि मैं बहुत दो तीन चार इलेक्शन लड़ चुका हूँ यहाँ से। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया अदा भी करता हूँ, साथ में मार्ग भी देता हूँ कि ये पुरानी रस्म के नाते ये जो काम करवाया उन्होंने, मैं कहता हूँ ये हमारे पूर्वज लोग जो थे वो बच्चों को खिलाते थे, मालिश कराते थे, तैयार करते थे, वो कुश्ती लड़ाते थे, उससे पता लगता था कि हमारे नौजवान हैं बहुत ताकतवर हैं। तो उसी रस्म को इन्होंने आगे बढ़ाया है, ये जितने भी हमारे ये पंचायत के पंच सरपंच हैं और जितने भी लोग हैं ये सारे बधाई के पात्र हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आज युवा जो है वो गलत रास्ते पर चल पड़ा है, नशों के लाइन में चल पड़ा है, दूसरी लाइनों में गलत राह पे चल पड़ा है। तो अगर इस तरह की जो पुरानी रस्में हमारे हमारे पंचायत के लोग, हमारे पंच सरपंच और आजकल के हमारे बुज़ुर्ग जो हैं
और उनके रास्ते पे चलेंगे, बच्चों को द्वारा उसी रास्ते पे लाएंगे, तो हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारे गांव के लोग हैं, इनका जो है फ्यूचर जो अच्छा बनेगा, वो लोग आगे बढ़ेंगे, बेल्ट फोर्स में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, दूसरी नौकरी करेंगे और देश की सेवा करेंगे। मैं यही सबसे दरख्वास्त भी करता हूँ और नौजवान बच्चों को खासकर संदेश देता हूँ अपने हिंदुस्तान के और जम्मू कश्मीर के खासकर, कि भाई ये दूसरे जो रास्ते हैं नशे पत्ते के छोड़ दो, अपनी सेहत का ध्यान रखो और अपने माँ बाप के कहने को आने में उनके कहने पर चलो, जैसे वो बोलते हैं वैसे करो, खाओ पियो और अपनी सेहत का ध्यान रखो, ताकि आप लोग अच्छे एक सिपाही बन सके, हिंदुस्तान के बचाव के लिए, हिंदुस्तान की सेवा के लिए अच्छे आगे बढ़ के आएँ, और ताकि आपके माँ बाप भी तुम्हारे पर गर्व करें, तुम्हारा भारत भी गर्व करे, तुम्हारा जम्मू कश्मीर तुम्हारे पर गर्व करे, और इसी रास्ते पर चलते रहेंगे। ये हमारे जो पुराने ऐतिहासिक जो लोगों ने फैसले बुजुर्गों लिए, हमारे जो ठाणे पंचायत ने आज करके दिखाया, हम सब बहुत बहुत इनके धन्यवाद भी है और इनको मुबारकबाद देते हैं। सब तो पहले तो मैं ठाणा जो कमेटी बनी हुई है साड़ी, वो तो बहुत बहुत धन्यवाद करांगा, खास करके साडे रवि जी ज बाबा राम जी, तो ये तकरीबन 20-25 साल तो साढ़े पिंड के द्वारा शुरू की छिंजत वाला प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगे। जिस तरह सर ने कहा है कि जो बच्चे खेल कूद वास्ते अगे आते हैं, कुश्ती वास्ते अगे आते हैं, एक तो फिजिकली फिट रहते हैं, तो दूजा बच्चों का एक ध्यान जो नशे तो हटता है, तो यहोजी जो परंपरा ने बच्चों जो पुरानी रवाज चलते पे ने बहुत ही अच्छे ने, एकता प्यार बनता है, सारे ही मजहब रल मिल के बैठ के करते पे ने, कौन कि कुश्ती करता नहीं पता है, तो ये अच्छा एक प्यार वाला मैसेज है। और दूजा जो कि बच्चे ठीक रहते हैं, सेहत ठीक रहती है। मैं धन्यवाद कराँगा अपनी पंचायत साढ़े नायब साहब का भी और साढ़े होर पंच साहबाना का और साड़ी पब्लिक का जिन्होंने सहयोग किया, और बहुत ही अच्छे तरीके ये प्रोग्राम होया जी।